सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महादेव। क्रिएटिव एक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों इस वोल्टेज रेगुलेटर के मदद से आप 20 वोल्ट से 5 वोल्ट तक ले सकते हैं, या फिर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट ले सकते हैं, और 9 वोल्ट से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी प्रकार का वोल्ट को, डीसी वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और दोस्तों इसी का उपयोग करके आप 12 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, इसका मदद से आप दोस्तों 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हो मैं एक 909 का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ, और दोस्तों आप कोई भी प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो 12 वोल्ट हो चाहे वो 20 वोल्ट का है। दोस्तों मुझे सिर्फ चाहिए 5 वोल्ट। तो दोस्तों मैं एक ट्रांसफार्मर लिया है 909 का, और दोस्तों ये 9 वोल्ट आउटपुट देता है, लेकिन दोस्तों मुझे इससे 5 वोल्ट लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो ये है येलो है 9 और ब्लू है 0 और येलो है 9। और दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया और इसको कनेक्ट करके भी रखा। और दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर जो बनाना है वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। दोस्तों डायोड का व्हाइट सिरे को एक साथ कनेक्ट करना है और ब्लैक सिरे को एक साथ करना है। व्हाइट सिरे होता है पॉजिटिव और ब्लैक सिरे होता है नेगेटिव। और दोस्तों उसके बाद इधर देखिए दो पॉइंट है, इधर आप ट्रांसफार्मर का कोई भी दो वायर इसमें आपस में अटैच कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले से यहाँ पे सोल्डिंग करके रखा है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गठन वाला वायर है ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट देगा और माइनस है नेगेटिव है। दोस्तों यहाँ से हमें 9 वोल्ट मिलता है, लेकिन दोस्तों हमें 5 वोल्ट का ज़रूरत है, तो इसके लिए एक सर्किट बनाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे, देख सकते हो सिंपल सा एक कार्डबोर्ड है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करूँगा और इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार से फिक्स हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए L7805 IC। दोस्तों ये IC आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 10 रुपये में मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आप 78/12 IC भी लगा सकते हो अगर आपका पास आप 12 वोल्ट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट का भी होना चाहिए, और ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 78/05 का एक IC लगा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों बीच का जो ये है हमारा पॉजिटिव इनपुट, और उसके बाद ग्राउंड, और उसके बाद पॉजिटिव आउटपुट है। बीच का ग्राउंड एक आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ इसमें पॉजिटिव का फर्क है, ये वाला दोनों साइड में पॉजिटिव इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है ना। तो चलिए, और दोस्तों यहाँ पे हीट सिंक चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेटर जब कम करेगा तो दोस्तों हमारा जो IC है वो हीट भी हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्क्रू की सहायता से इसको टाइट कर दिया। दोस्तों मेरे पास कंपाउंड नहीं था, नहीं दोस्तों मैं कंपाउंड भी लगाता। तो चलिए इस नट को हम कस देंगे और IC को अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हो गया है। तो चलिए इधर थोड़ा सा ग्लू देंगे और इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए वायर कनेक्टर। दोस्तों वायर कनेक्टर हमें क्यों चाहिए, दोस्तों हम इससे आउटपुट लेंगे सप्लाई 5 वोल्ट, तो इसके साथ वायर भी कनेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए आप चलते हैं इसका कनेक्शन पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रेड वायर है और येलो वायर है। रेड वायर है हमारा पॉजिटिव आउटपुट, और येलो वायर है पॉजिटिव इन आउट नेगेटिव आउटपुट। तो चलिए पहले इस हमारा जो वायर कनेक्टर का स्क्रू था उसको ओपन कर दिए है, और इसके साथ कोई भी एक वायर को अटैच कर देंगे दोनों वायर को। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हम दोनों वायर को अटैच कर रहे हैं, और दोस्तों ये आउटपुट के लिए है। एक साइड में हम इसका वायर को कनेक्ट कर दिया, दूसरे साइड के में इसका आउटपुट के देने के लेने के लिए कनेक्ट कर देंगे वायर को। तो दोस्तों देखिए इधर जो है हमारा ये ट्रांसफार्मर का गठन वाला है पॉजिटिव, और बिना गठन वाला नेगेटिव है। तो दोस्तों देखिए इधर जो गठन वाला है वो पॉजिटिव से था, तो दोस्तों IC का एक नीचे के साइड में जो पिन है फास्ट वाला पिन वो इनपुट का पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम इस वायर को सोल्डिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, और दोस्तों ये वाला तो हमारा नेगेटिव था। दोस्तों ग्राउंड में कोई फर्क नहीं है, ग्राउंड बीच में ले सकते हैं आप, इसको ब्रिज बीच में कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों आउटपुट लेने के लिए दोस्तों हमारा रेड वाला जो वायर है वो हमारा पॉजिटिव है आउटपुट, और दोस्तों देखिए ऊपर वाला जो पिन है वो हमारा पॉजिटिव लेने के लिए, ठीक है ना। तो देख सकते हो गया है, और दोस्तों हमारा जो नेगेटिव का वायर है वो बीच में ही कनेक्ट होगा, नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताया था। तो चलिए इसे अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। तो देख सकते हो इसको हमने सोल्डिंग कर दी है। तो दोस्तों देखिए फ्रेशली के बहुत ही अच्छे से इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें 220 माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर चाहिए, ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा। व्हाइट सिरे है हमारा नेगेटिव, और ब्लैक सिरा है पॉजिटिव।
दोस्तों व्हाइट सिरे को हम नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे यानी बीच का पिन में, और ब्लैक ब्लैक पिन को, ब्लैक वाला पार्ट को ऊपर की पिन में होल्डिंग कर देंगे। वोल्टेज को स्टोर करेगा दोस्तों, ये जो हमारा कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज को स्टोर करता है। तो चलिए नेगेटिव का जो पिन है उसके साथ भी कैपेसिटर का पिन कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है वो बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए मैं आपको अच्छे से इसका कनेक्शन समझा देता हूँ। दोस्तों देखिए, नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारा पॉजिटिव इनपुट के लिए, और बीच का जो है वो ग्राउंड, उसमें कोई फर्क नहीं है, और ऊपर का जो रेड वायर है वो हमारा आउटपुट पॉजिटिव के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज आउटपुट देने के लिए तैयार हो चुका है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पे हम एक माइक्रो या कैपेसिटर लगाया है, और ब्रिज रेक्टिफायर दोस्तों बनाना बहुत ईजी है दोस्तों, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो सारा कुछ है तैयार हो चुका है, और दोस्तों ये एसी इनपुट के लिए है। तो चलिए ये जो हमारा वायर है, इस वायर को हम अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा था इसीलिए मैं कर दिया। और दोस्तों इसमें हम एसी इनपुट दे दिया है, यहाँ से हमें डीसी 5 वोल्ट मिल रहा है। तो चलिए इस जो मोटर है ये हमारा 9 वोल्ट में अच्छी तरीके से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको 5 वोल्ट में चला के दिखाता हूँ किस प्रकार से चलता है। 5 वोल्ट पे ज़्यादा नहीं घूमेगा क्योंकि दोस्तों इसमें हमें 9 वोल्ट देना है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर 909 का ट्रांसफार्मर से हमें 5 वोल्ट डीसी आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेंगे डीसी कनेक्टर में। तो देखिए दोस्तों घूम रहा है, लेकिन दोस्तों हाथ देने से भी रोक जा रहा है। इसका मतलब है इससे अच्छी तरीके से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसमें 5 वोल्ट ही आ रहा है। मेरे पास दोस्तों हमारा जो मल्टीमीटर है वो नहीं है, इसीलिए नहीं तो मैं आपको दिखा देता, मैं ख़राब हो चुका है। और देखिए दोस्तों इधर हमें इसमें 9 वोल्ट मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से घूम रहा है। देखिए मैं हाथ से भी रोक रहा हूँ लेकिन रोक नहीं रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, हाथ टच करने से ही ये रोक रहा है, इसका मतलब है इसे अच्छी तरीके से वोल्टेज नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों इधर बहुत ही अच्छे से फ्रीली घूम रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसमें एक बल्ब टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा बल्ब किस तरीके से ग्लो करता है 5 वोल्ट में। तो एक एलईडी बल्ब भी है मेरे पास, तो देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का एक एलईडी बल्ब है। और दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब है 5 वोल्ट में काम करेगा, 9 वोल्ट में देंगे तो दोस्तों ये बल्ब हमारा फ्यूज़ हो जाएगा, उसके लिए दोस्तों हमें एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा ये जो बल्ब है ये 5 वोल्ट में चलता है। और देखिए दोस्तों बिना कोई हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस से ही ये अच्छी तरीके से ब्राइट कर रहा है। दोस्तों देखिए इसमें अच्छी तरीके से 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ में 5 वोल्ट ले सकते हैं, अगर उसमें 20 वोल्ट आ रहा है तो, अगर दोस्तों आपको 5 वोल्ट का भी ज़रूरत है तो दोस्तों इसी साइड सर्किट डायग्राम का उपयोग करके आप उससे 5 वोल्ट ले सकते हैं। तो देख सकते हो इसमें तरीके से बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए हैं तो लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और दोस्तों एक लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो चले फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।